गुजरात की राजधानी गांधीनगर से 42 लाख के किताबों की चोरी हुई है। सुनकर हैरान रह गए होंगे, पर यह चोरी की वारदात शहर के सेक्टर 25 स्थित GIDC में पाठ्य पुस्तक मंडल के गोदाम से हुई है। यह कोई पहली बार नहीं हुआ है, इससे पहले भी चोरी की ऐसी कई वारदातें सामने आती रही है। फिलहाल इस पूरे मामले में पुलिस थाने में FIR दर्ज करवाई गई है और पुलिस आगे की छानबीन में जुट गई है। गुजरात राज्य पाठक पुस्तक मंडल का जो गोडाउन है सेक्टर 25 में, उन्होंने बोला है कि हमारे पुस्तक में घट आई है तो चोरी हुई, ऐसा उनको लगता है तो इनकी इन्वेस्टिगेशन करो, ऐसा पुलिस को सेक्टर 21 पुलिस स्टेशन को उन्होंने लिखित अर्जी दिया है। उसके आधार पर पुलिस स्टेशन जांच कर रही है। आज उनको उनके पास स्टॉक पत्रक कितना पुस्तक थे वो सब मांगा है और आज FIR दाखिल करने भी आ रहे हैं, तो FIR दाखिल करने की कार्यवाही चालू है। सर, पुलिस किस तरह से कार्यवाही करेगी इसमें? पुलिस तो पहले तो उनका स्टॉक पत्रक मांग रही है कि कितना पुस्तक थे, कौन सा चोरी हुआ, कौन सा एग्जाम का चोरी हुआ है, कौन सी धोरण का चोरी हुआ, क्या चोरी हुआ, कैसे चोरी हुआ है, कौन सी गाड़ी में गए, वो सब पूछताछ कर रही है। सिक्योरिटी गार्ड की पूछताछ कर रहे हैं हम लोग, कहेंगे 24 आवर वहाँ सिक्योरिटी गार्ड है, वो क्या बताता है उनके आधार पर आगे हम तपास करेंगे।